Hi everyone, this is Jumbo Bag, very useful, especially जब मौसम बदलता है, गर्मियों से सर्दियों और सर्दियों से गर्मी आती है. सी कैपेसिटीज की ये इस तरीके से ये स्मॉल पैकेट में आता है. जब हम लोग इसको कुरियर करते हैं, ये आप हमारे स्टोर से भी ले सकते हो और हम इसको कुरियर भी कर सकते हैं. ये हम इसको बहुत ही स्वीट करके कुरियर करते हैं. इतना छोटे से पैकेट में आपके पास आता है तो दिल्ली में हार्डली 20 रुपीज में पहुंच जाता है. और NCR और MP इस तरीके के सारे जगहों पर ये 30 रुपीज में पहुंच जाता है. 380 इसका प्राइस है. कैपेसिटी अभी देखो, इतने सारे कपड़े हम लोग इसमें स्टोर करेंगे. आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्रॉपरली सारे कपड़ों को फोल्ड करके इसके अंदर डालना है. प्राइस का और क्वालिटी का दोनों की श्योरिटी आपको हमारे पास से मिलेगी. प्राइस भी अनबीटेबल रहते हैं, 380 में ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता है. एंड क्वालिटी के लिए फॉर श्योर ये बहुत बहुत अच्छा है. ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं क्योंकि ये हम सेल कर रहे हैं. नो, दिस इज एक्चुअली गुड. सी मैं इसमें भी कितने कपड़े डालूंगी. अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैंने इसमें नंबर ऑफ पीसेस कितने वूलन्स रखे हैं. कोई समर का इसमें पीस नहीं है, सारे सिर्फ वूलन्स हैं. और वूलन्स में भी अगर आप देखोगे तो कुछ जैकेट्स हैं, कुछ ओवरकोट है, तो ये सारा इसमें आएगा. ये बैग इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि एज इट इज जो नॉर्मल 6x6 के बेड होते हैं, जो यूजुअली हर घर में वो ही मिलते हैं, कुछ एक ही बेड होते हैं जो आप लोगों ने अपने साइज के अकॉर्डिंग बनवा रखे होते हैं या आप लोगों ने अपने रूम के साइज के अकॉर्डिंग बनवा रखे होते हैं. अदरवाइज यूजुअली मार्केट में 6x6 के बेड ही मिलते हैं, तो ये एग्जैक्ट 6x6 के बेड में आ जाता है. अभी आप नंबर ऑफ पीसेस देखना, मैं आपको काउंट करके बताऊंगी वीडियो के एंड में कि मैंने कितने पीसेस इसमें डाले हैं. बहुत सारे लोगों की क्वेरी हमसे रहती है कि ये यूजफुल तो है. उन सब लोगों के लिए सिर्फ एक ये ही वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है. वो खुद देख सकते हैं कि कितना ये यूजफुल है या नहीं है. अगर आप इसकी कैपेसिटी देखें, अनबीटेबल कैपेसिटी है. ये इतने कपड़े मैंने इसमें रखे. टील का ऊपर से जिपलॉक है. जिपलॉक नॉर्मल नहीं है क्वालिटी में, प्लास्टिक कलर नहीं है, टील का है. अभी मैंने बहुत स्मूथली इसको बंद किया है. इसमें इससे अगर मैं इसको स्क्वीज करूं थोड़ा सा तो इसमें इससे ज्यादा कपड़े आ सकते हैं, बट मैंने इसमें इतने रखे हैं. ये ऊपर एक लॉन्ग पॉकेट है जिसमें आप अपने सॉक्स और इस तरीके की चीजें रख सकते हो. मैं इसमें अपने सॉक्स
और ग्लव्स ऐसी वाली चीजें इसमें रखूंगी ताकि वो इजीली फाइंड आउट हो पाए। तो अब काउंटिंग करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसमें दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें कितने कपड़े रखे हैं।